हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप? आशा करते हुए आप सब ठीक होंगे। कम से कम 10 दिन में व्लॉग स्टार्ट कर रहा है अभी। आज 10 दिन हो गए और आज हमारी बात की तारीख आ गई भाई, नज़दीक दिन आ गया बात भरने का। और अभी गले में ज्वेलरी वगैरह कुछ पहनी नहीं है, लाचा पहन रखा है, पूरा दिख नहीं रहा अभी इसमें। चलो बैक वैसे कैमरा करके दिखाएंगे आपको। और ये मेरी ज्वेलरी मैं पहले लेके आए रखी थी मैंने, रेड कलर की, गए चलती रहती है। इसके साथ दो गले के सेट हैं, फुल तैयार हो गए हैं, क्योंकि अब बस फोन आने वाला है अभी सारे, क्योंकि कई जने हैं तो सारे इकट्ठे निकलेंगे। और मैं तैयार हुई खड़ी हूँ, मगा इतना व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। कई दिन हो लिए थे भाई, फोन खराब हो रहा था मेरा, तो इसीलिए देखो पीछे की लुक तो मेरे शीशे में आ गई। ये स्टाइल बना रखा है, चुन्नी सेट करनी ना आई भाई, इस तरिया कर रखी है देखो। अभी करवाएंगे, एक चाची आएगी उनसे करवाएंगी, और उसके बाद ही ज्वेलरी पहनूंगी। क्योंकि ना ज्वेलरी पहनने के बाद ना थोड़ी ऐसी परेशानी सी हो जाती है गले में, मतलब बहुत सा हो जाए, क्योंकि हमेशा पहनते नहीं है ना, तो इसीलिए। बच्चे वगैरह सब तैयार हो गए हैं, कनक और उसके पापा रख रहे हैं गाड़ी में सामान भाई, और मैं ऊपर तक पैक करके, और मैंने सारी चीज़ पैकिंग वैकिंग कर ली है। आपने मेरे पीछे खंडे अभी दिखता होगा, गड़ा है सामान थे, इधर सिलाई वगैरह के सूट पड़े हैं, और ये सूट केस जो अनस्टिच रह गए भाई, क्योंकि सारे नहीं सिल लेना सूट, क्योंकि कई रेडीमेड में लिया ही। आपको पहन पहन के उनकी लुक दिखाऊंगे भाई, वीडियो में कुछ भी नहीं कर पाई शेयर आपके साथ, क्योंकि मेरा फ़ोन हो रहा था ख़राब कई दिन से। कई दिन के बाद मेरा फ़ोन ठीक होया है भाई। मशीन में मेरा लाचा अटक गया, फटेगा चलती आना। सब कुछ तैयार है, सुबह जल्दी उठ लिए रे भाई, क्योंकि दूर जाना है। तो मैं सोच रही थी वहां कदे हम लेट ना हो जाए, हम तो यूँ सोच रहे थे 9-9:30 बजे तक निकलेंगे, लेकिन फिर इसके ताऊ बोले कि 10 बजे के बाद, 10 बजे के करीब या 10 बजे के बाद निकलेंगे। मगर चलो फिर ना दो तो सुबह जल्दी लिए थे, जितना रेडी होया गया उतना हो लिए। कुछ थोड़ी बहुत कसर रह रही है चुन्नी उन्ने की और ज्वेलरी की, वो अभी चलते टाइम पहन लूँगी। उनका फ़ोन आ होगा ना, पूछ जाएंगी इतना, वो थोड़े से बार बाई से रहे भाई प्लाट में, और हम इधर गाँव के अंदर रहती। तो वो कह रहे थे मैं फ़ोन कर दूंगा जब चलेंगे तभी आ जाना, कदे पहले भाई फिर, क्योंकि नहीं होना इकट्ठे हो लेंगे सारे साथ के साथ। कनक पहन रही है जींस पिंक कलर वाली, जो आपको दिखाई वो वीडियो में कहाँ शूट हो पाई। कपड़े धोकर भाई कुर्सी आप लगा रखे हैं, सुखाऊंगी नहीं, क्योंकि फिर वो है ना शाम को तो पता नहीं पक्का आएंगे या नहीं आएंगे, वहाँ जाने के बाद देखते हैं भाई कैसे क्या सेटिंग होगी। बाकी कोशिश तो है, क्योंकि ब्याह तो सगाई वाले आओगे, तो आज हम सोच रहे फिर शाम तक वापस आ जाएंगे, क्योंकि तो ज़्यादा लेट तक वहाँ पे ऐसा कुछ काम भी नहीं है, और देखते हैं। और वहाँ का प्रोग्राम जाने के बाद ही पता चलेगा भी, अपने सोचने सोचने से क्या होता है। सगाई वाले निमट लेंगे तो आ जाएंगे, देखेंगे फिर क्या करेंगे, और ना तो वहीं रुकना है। अपने कपड़े वगैरह लेकर चलेंगे, वैसे तो सबकी ड्रेस दिखाऊंगे आपको वीडियो में। चल पड़े भाई घनी है देर होली, बस ही पहुँचने वाले हैं, 5 मिनट में और पहुँच जाएंगे। सारी गाड़ी आगे पीछे हैं, हरियाणे के खेत देख लो, हरियाली हरियाली जो कर दे। चुन्नी सेट करवा रही है, ज्वेलरी पहन रही है, मैंने पूरा सेट था यार, दिखा दे यार पहाड़ी पर की जबरदस्त नहर है, ये देखो कितनी बड़ी नहर है।
मिनट में और पहुंच जाएंगे हम। मेरा तो घूंघट है ना जब उठना नहीं चाह जाए। पिन लगवा ली थी क्योंकि ये ना बार बार मैं फेरता रहता, इसलिए जोड़ भी आ गया है। गम्मा में ये चीज होए अभी देखो कितना पानी भर रहा है, क्योंकि नहर नजदीक है ना तो पानी का थोड़ा रो है यहाँ पे ज्यादा। थोड़ी बारिश होते पानी खड़ा हो जाता है। ये देख लो भाई ये घर है जो आपने दिखाई देने लग रही है पीछे थे, फ्रंट इनका आगे है, फिलहाल हम पीछे थे आ रहे हैं। आगे तो रास्ता बंद हो गया है। ये खांड का साग खिलाने की तैयारी। देखो ये डाल लिया है खांड का साग। ये दक्ष बैठा है सामने वीडियो से छुप के। ये पापा लग रहे हैं। अंकेश दक्षिण खाना भारी हो रहा है। हम बैठ गए खांड का सार खान। मम्मी बहुत सुंदर लग रही आज। थोड़ा सा बस दादा बूढ़ा और ये सभी आ गए हैं। यहाँ पे छोड़ है ये ग्रीन सूट वाली मेरी बुआ है।
जिनके लड़के की शादी है और उनके पीछे ही मेरी मम्मी है। दादा बुड्ढा ये दादा बुड्ढे का लूट है। इधर नंदी खड़ा कर रखा है। यहाँ भी दादा बुड्ढे की मानता है, इस गांव में भी, हमारे उधर भी है। आपको ज़्यादा मतलब बोलने का नहीं मिलेगा इसमें, क्योंकि ढोल की आवाज़ में मेरी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। परली तरफ है जोड़, हाँ यो देखा हूँ मैं, कहीं मैं भी दादा बुड्ढे को। बड़ा है मंदिर है भाई, ये अंदर की लुक है भाई, सारी काफी बड़ा है वैसे तो। इधर बजरंगबली का है, ये जोत लगा रहे हैं इधर। ब्याह शादी हो या कोई भी शुभ कार्य हो तो यहाँ पे पूजा करी जाती है भाई। पहले अपने दही देवते पूजे जाया करें। नगर खेड़े का मालिक जो होता है हमारा दादा बुड्ढा है, और इनके यहाँ भी दादा बुड्ढे की मानता भाई। जिनको अंदर नहीं आना तो वे बाहर खड़े हैं। कनक भी देख का आगे भी दो कुमारा ही बाहर खड़ी होगी अनक। यहाँ पे शनिदेव का मंदिर है इधर, ये देखो शनिदेव महाराज है। और इधर है जोड़, जैसे हमारे उधर है ना, इधर भी ऐसे सेम सारी चीज़ें वही हैं भाई, सेम टू सेम। ये इधर गेट भी है, मिट्टी वगैरह छाटने जाते होंगे इधर से, काफ़ी बड़ा है इसमें तो, पानी भी काफ़ी सारा है। हरियाणा में भाई पानी की सुविधा हुई है बहुत ज़्यादा,
पानी और हरा भरा हरियाली, ये देखो ये देखो काफी बड़ा है ना, अच्छा बड़ा रोड है और पूरा हरा भरा है। और ये इधर है देखो कुआ, पुराने टाइम का जाल से ढक रखा भी, कोई नुकसान ना हो इसलिए किसी कोई बच्चा वगैरह कोई, पानी है और उसमें देखो आपको दिखाई भी दे रहा होगा भरा हुआ है बिल्कुल। ये लेडीज इधर बैठ के गीत वगैरह गाने लगी हुई सारी। दिखाते हैं आगे।
की शादी होने वाली है। पंडित जी ने मंत्र बोलने शुरू कर दिए हैं। और ये इधर कनक की दीदी बैठी है सुंदर सी और इधर फेस। ये मेरी सिस्टर है, एक ये भी मेरी सिस्टर है। हेलो करो। मम्मी अंकित आंटी सामने देखो, आंखें बंद हो गई आपकी। अंकित ठीक मंदिर में रखी है, मंदिर में रखी। ये फूफा जी उनको फिर पहनाने ये वाले तो नहीं है। मारो दे ये सारे बाती पीछे सुपारी सूट चेंज कर लिया, सुबह अलग ड्रेस पहन कर आए थे। ये मेरे फूफा जी जिनके लड़के की शादी है, और ये हैं दूसरे फूफा जी जो पाठड़े पे बैठ गए। ये ताऊ जी ने कर दिया टीका। ये भी फूफा जी हैं। देखो
ये है मेरी दीदी के हस्बैंड बड़े वाले, बड़े वाले दीदी के हस्बैंड है सब वही है। अब आएंगे सेकंड नंबर वाले जीजू मेरे, मेरे।